कैसे हैं आप लोग। मैं फिर से इंडियन मामा ड्यूटी पे आ गया हूँ। आजकल मैं इंडियन मामा ड्यूटी पे राजपापादी ढाबा से ज़्यादा आने लगा हूँ, क्योंकि इसमें मुझे मज़ा आने लगी है। किरण थोड़ा बिजी रहती है तो मौके का फ़ायदा उठाता हूँ। तो मैंने किरण से बोला, तुम तो बिजी हो एडिटिंग में। एक्चुअली हमारे एडिटर जो भी हैं ऑफिस के, दोनों लड़कियों की एक साथ मैरिज है, तो दोनों शादी के लिए चली गई हैं। हमारे पास एक ही एडिटर बचा हुआ है और इतनी सारी वीडियोज़ होती हैं कि उसके अकेले बस का एडिट कर पाना नहीं है। तो आजकल मैं भी एडिट करता हूँ, किरण भी एडिट करती है, तो किरण का ब्लॉग इसलिए लेट आता है। तो अभी किरण एडिटिंग में बिजी है, मैं भी आपको दिखाता हूँ। और मैंने किरण को बोला, तुम एडिटिंग में बिजी हो तो मैं ही कुछ बना लेता हूँ और तुम्हारे सब्सक्राइबर यानी हमारे सब्सक्राइबर से बात कर लेता हूँ थोड़ा सा, और मैं आपको दिखाता हूँ अम्मा क्या कर रही है, अनिका क्या कर रही है और किरण क्या कर रही है। और आज मैं बनाने वाला हूँ फिर से नॉन वेज। वेज वाले बोलेंगे केवल नॉन वेज बनाते रहते हो, फिर नेक्स्ट टाइम मैं वेज बनाऊंगा पक्का से। आज मैं बना रहा हूँ हैदराबादी चिकन बिरयानी। उसके पीछे कुछ रीज़न है, वो मैं वीडियो के टाइम पे आपको बताऊंगा क्यों हैदराबादी चिकन बिरयानी आज मैं बना रहा हूँ। और एक तो बहुत बड़ा रीज़न ये है कि बाकी रीज़न मैं उस टाइम पर बताऊँगा, एक बहुत बड़ा रीज़न ये है कि अम्मा को चिकन बहुत पसंद है, किरण को भी चिकन बहुत पसंद है, अनिका को भी चिकन बहुत पसंद है, और चिकन मेरे को भी पसंद है। तो सबको चिकन बहुत पसंद है, पर वो दूसरा रीज़न भी है, तो अभी आगे देखेंगे। तो चलो बनाते हैं हैदराबादी चिकन बिरयानी। ये देखिए अम्मा क्या कर रही है। अनिका टिकटॉक में घुसी हुई है, उसकी छुट्टी चल रही है तो आजकल टिकटॉक टिकटॉक करती रहती है। बेटा हमेशा टिकटॉक नहीं करते हैं, थोड़ा ऐसा गेम खेल लो ना, कुछ और गेम खेल लो, फिजिकल एक्टिविटीज़ वाले गेम खेल लो, हमेशा टिकटॉक नहीं, नॉट गुड। नए मोबाइल में हमेशा नहीं खेलना चाहिए, बच्चे आजकल सुनते नहीं हैं। और अम्मा भी अनिका के साथ बैठ के उसकी मोबाइल देख देख के इंजॉय करती रहती है। अम्मा आज बन रही है चिकन बिरयानी हैदराबाद की। हाँ जैसे हैदराबाद, हाँ मशहूर है ना, खाई तो थी। तो ये देखो ये लड़की क्या कर रही है। मैं इधर से दिखाता हूँ ये क्या कर रही है। ये एडिटिंग चल रही है। इतना सीरियस हो के तुम एडिटिंग क्यों कर रही हो, थोड़ा सा बोल भी लो। मैं राज के इस व्लॉग में बिल्कुल नहीं बोलना। ये राज का व्लॉग थोड़ी है, इंडियन मामा ड्यूटी पे, इंडियन मामा ड्यूटी पे। फिर मैं पूरी तरह से कब्जा कर लूंगा, ये समझ लो। नहीं, क्योंकि कल मेरे व्लॉग में राज ने बाइक नहीं किया था और उसी की नाराजगी है ये। एक्चुअली मैं क्या था कि जब मैं बहुत गंदा दिखता रहता हूँ तो किरण दिखा देती है, तो मैं छुप जाता हूँ। कभी ऑफिस से ने मना कर दिया था, तो कभी मना किया था रात में ना। रात में सोने से पहले कि नहीं सोने चलो, तो मैं चली रही थी, बट मुझे उस चीज़ का गुस्सा है और वो थोड़ा देर रहेगा। अच्छा चलो हैदराबादी चिकन बिरयानी बना रहा हूँ, वो खाने के बाद गुस्सा उतर ही जाएगा, नहीं तो फिर चिकन बिरयानी मैं ही खा जाऊंगा पूरा अगर नहीं उतरा तो। बट आज इस ब्लॉग में किरण बात नहीं करती। देखते कब तक नहीं बात करती, वैसे भी चिकन बिरयानी खा के तो कहाँ रुक सकती है। ये नखरे कर रही है, इसका अंदर अंदर हंसने का दिल हो रहा है, हाथ से मुंह के दबा के रखे कि मैं हंस न दूं कहीं सब खराब हो जाए मेरे नाटक। आज इस व्लॉग नहीं, अच्छा हाथ हटा के बोलो, हाथ हटा के बात बोलो कि मैं एडिटिंग नहीं, हाथ हटा के बोलो कि एक बार कि मैं आज एडिटिंग में, हाथ हटा के बोलो कि मैं नाराज हूँ। तो चलो बनाते हैं हैदराबादी चिकन बिरयानी। किरण के नखरे तो चलते रहेंगे। तो उसके चेहरे से आपको समझ में आ गया होगा। तो जैसा मैंने बताया कि आज मैं बनाने जा रहा हूँ हैदराबादी चिकन बिरयानी, और मैंने उसके लिए आज शॉर्टकट लाया था। मैं सोचा कुछ कभी कभी रेसिपी ऐसे बताने चाहिए जिसमें आप रेडीमेड चीज़ें यूज कर सकें। तो देखिए मैंने ये लिया है ईस्टर्न का हैदराबादी बिरयानी मिक्स। मैं इसका एडवर्टीज़मेंट नहीं कर रहा हूँ, ये मुझे दिख गया। मैं गया था डी मार्ट पर शॉपिंग के लिए उस दिन किरण के साथ, तो उस दिन मुझे दिख गया, तो मैंने बोला इसको क्यों नहीं ट्राई करते और देखते हैं कैसा बनाता है। तो ये वाला मसाला लिखा हुआ है 1 किलो चिकन के लिए
दो किलो चिकन के लिए लिखा हुआ 10 चम्मच लेने को, मेरा 1 किलो से थोड़ा ज़्यादा चिकन है तो मैं 6 चम्मच लूँगा मसाला ये वाला, ठीक है। तो 6 चम्मच ये वाला मसाला लूँगा और चिकन को उसमें मैरिनेट करूँगा। सबसे पहले मैं मसाला ले लेता हूँ। मुझे लग रहा है 10 चम्मच ही पूरा है, 6 चम्मच ये मसाला ले लिया मैंने। ये चिकन में डाल के मैं मैरिनेट करूँगा और इसमें मैंने डाला है ये 100 ग्राम से थोड़ा ज़्यादा दही, यानी 150 ग्राम दही करीब, 2 चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट का, 2 हरी मिर्च ली है, आप जितना तीखा खाते हैं उस हिसाब से ले लेना, ठीक है। और नमक, एक चम्मच नमक, क्योंकि मसाले में भी नमक है तो एक बार टेस्ट करने के बाद नमक अगर कम रहे तभी डालने का, ज़्यादा डाल दिया तो कम नहीं कर सकते हो, कम रहेगा तो ज़्यादा कर सकते हो। तो मैंने 1 चम्मच नमक लिया और इसको मैं मिक्स कर दूंगा अच्छे से हाथ से अपने, और इसको मैं 1 घंटे के लिए छोड़ दूंगा। इसमें 30 मिनट ही लिखा हुआ है छोड़ने के लिए, चलो इसी के हिसाब से बनाते हैं, 30 मिनट्स के लिए छोड़ देता हूँ मैं। अच्छे से मिक्स करेंगे और मिक्स करके छोड़ देंगे। ऐसा मिक्स करेंगे कि मसाला चिकन के अंदर पूरा एकदम अच्छे से घुस जाए, सब जगह ही बराबर लगे। खुशबू तो अच्छी आ रही है, बनने के बाद पता चलेगा एक्चुअली, है ना करण, खुशबू अच्छी आ रही है। 30 मिनट्स के बाद ये कुक होगा। किरण एक्चुअली रिकॉर्डिंग कर रही है और क्योंकि पूजा हमारी छुट्टी पे है और आज सारा कटिंग फटिंग मैंने ही किया, कोई हेल्प करने वाला नहीं है। रिकॉर्डिंग के लिए मुझे ज़रूर हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए मैंने किरण को बुला लिया। मैंने बोला आओ थोड़ा सा तुम कर दो रिकॉर्डिंग में, आज तुमको मैंने पूरा छुट्टी दे दी है दोपहर के खाने से। एक्चुअली क्या है कि पूजा नहीं है तो सारा लोड किरण पे आ गया है, तो मुझे लगा थोड़ा सा लोड शेयर करना चाहिए। तो क्यों ना मैं लंच बनाता हूँ, जब मैं कुछ बनाता हूँ तो मेरा ये रहता है कि नॉर्मल खाना बनाने में मज़ा नहीं आता, मुझे कुछ स्पेशल बनना चाहिए। तो मुझे ध्यान आया कि मसाला रखा हुआ है तो मैंने बोला चलो चिकन मंगा लेते हैं, तो BCS से फटाफट चिकन आ जाता है, चिकन मंगाया और ये देखिए मसाला लग गया। अब इसको मैं 30 मिनट्स के लिए छोड़ दूँगा और मैंने करीब 1/2 किलो से थोड़ा ज़्यादा चावल को भी धो के पानी में भिगो के ये देखिए रख दिया है, तो ये भी 30 मिनट तक छोड़ना है आपको पानी में। तो इससे क्या होता है कि चावल बहुत अच्छा और जल्दी पकता है और दूसरा ये चिपकता नहीं है चावल एक दूसरे में। तो बाकी चीज़ें जो मैंने ली हैं उसमें है टमाटर, 1 टमाटर बड़ा साइज़ का है, अगर छोटा साइज़ का 2 टमाटर, केवड़ा जल खुशबू के लिए, कुछ खड़े मसाले हैं ये देखिए, इसमें दालचीनी है, थोड़ी सी काली मिर्च है, 5-6 लौंग है, 6-7 इलायची है, 1 स्टार फूल 1-2 है छोटे छोटे, इसलिए 2 लिया, बड़ा है तो 1 लीजिए, थोड़े से जावित्री है और 2 तेज़पत्ता भी मैं लूँगा, यहाँ पे रखा नहीं है अभी मैं रखूँगा। और करीब मैंने ये 4 से 5 ऑनियन काट लिया है, मीडियम साइज़ का ऑनियन काट लिया है, 2 चम्मच देसी घी लिया है और थोड़ा सा फूड कलर लिया है, और मैंने करीब मुट्ठी भर धनिया और मुट्ठी भर पुदीना लेके उसको भी छोटा छोटा देखिए धो के अच्छे से काट लिया है। बस इतनी ही सामान लगने वाली है और ये खड़ा मसाला भी जो है राइस में जाएगा, चिकन में कोई मसाला अभी नहीं जाएगा। तो चलो मिलते हैं 30 मिनट्स के बाद।
तो आधे घंटे हो गए हैं, अब देखिए आगे क्या करेंगे। सबसे पहले मैंने कढ़ाई चढ़ा दिया, उसमें तेल डालूंगा, करीब 50 ग्राम तेल डालूंगा, ज़्यादा नहीं। अब इसमें मैं डालूंगा पूरी आनियन, आनियन को हल्का फ्राई करूंगा, बहुत ज़्यादा नहीं। एक्चुअली दो तरीके होते हैं आनियन डालने को, एक तो जो मैं ये दिखा रहा हूँ, दूसरा ये होता है कि आनियन को खूब सारे तेल में फ्राई कर लेते हैं और फ्राइड आनियन को लेते हैं, उसको फिर राइस पे लेयर बनाते हैं, पर उसमें बहुत टाइम लगता है। तो मैं चाहता हूँ कि मैं ऐसा दिखाऊँ कि जो घर पर आसानी से बन सके। अगर आपके पास टाइम है तो आप फ्राइड आनियन यूज़ कर सकते हैं। फ्राइड आनियन कैसे बनाते हैं वो मैंने अपने चैनल राज पापा दी ढाबा पे बताया है, तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। पर ऐसे भी अच्छा लगता है खाने में बहुत। इधर देखिए मैंने पानी बॉयल करने के लिए रख दिया है, इसमें मैं क्या क्या डालूंगा आपको दिखा देता हूँ। अभी पानी बॉयल हुआ नहीं है, हल्का गर्म हो गया। जितने भी खड़े मसाले थे वो सारे मैं इसमें डाल दूंगा, जिससे उसकी खुशबू चावल में आ जाए। थोड़ा सा केवड़ा जल, और दो चम्मच के आसपास तेल डालूंगा, और ढेर सारा नमक, करीब 7-8 चम्मच। मैंने करीब 6 लीटर पानी लिया है, ज़्यादा पानी लेने से अच्छा रहता है, चावल एकदम राइस जो अलग अलग बन जाता है। मैं नॉर्मल घर में जो राइस खाया जाता है रोज़ाना वो यूज़ कर रहा हूँ, आप अच्छा वाला बासमती राइस भी ले सकते हैं तो और अच्छा बनेगी, पर ये राइस भी इस तरह से बनाएंगे तो अच्छा बनेगा। ये बिरयानी पॉट मैंने लास्ट वीडियो में भी दिखाया था, ये 11 लीटर का है, इसमें चावल वगैरह बिरयानी बनाना बहुत ईजी हो जाता है। ये पानी को बॉयल होने दीजिए, तब तक देखते हैं आनियन यानी प्याज के क्या हालात हैं। तो अभी मेरी प्याज हल्की फ्राई हो गई है, अब मैं क्या करूँगा इसमें टमाटर पूरा डाल दूँगा। इसको भी हल्का फ्राई करूँगा, अभी देखिए टमाटर भी हल्का सा जल गया है। अब मैं इसमें जो चिकन मैंने मैरिनेट किया था वो पूरा चिकन डाल दूंगा, इसमें थोड़ा सा पानी ले दूंगा मैं। इससे मसाला इसमें कुछ घटे नहीं, पूरा मसाला चला गया। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से थोड़ा सा, और मैं इसको ढक के चिकन को पकने दूंगा। जब तक कि चिकन मेरा पूरी तरह से पक न जाए तब तक मैं इसको पकने दूंगा, और तब तक मैं राइस का काम कर लेता हूँ। इसको मैं अभी ज़्यादा नहीं चला रहा हूँ क्योंकि कढ़ाई मेरी इतनी बड़ी नहीं है, गिरने लगेगा थोड़ी देर में, मैं अच्छे से चला पाऊँगा। इसको मैं ढक देता हूँ, पकने देता हूँ।
देखिए मेरा पानी बॉयल होने लगा है, तो मैं इसमें अब डालूंगा राइस। ठीक 6 से 7 मिनट मैं इस राइस को पकने दूंगा, ज़्यादा नहीं पकना है, पकाना है 6 से 7 मिनट, ये ध्यान रखिएगा। मैं मिलता हूँ आपको 6 मिनट बाद। ठीक 7 मिनट हो गया है, अभी राइस को मैं स्टोव को बंद कर दूंगा और राइस को मैं छान लूँगा और इसको ठंडा होने दूंगा। इसमें से जो खड़े मसाले हैं छान के मैं निकाल लूँगा। देखिए तुरंत छानना, छोड़ना नहीं है, नहीं तो पक जाएगा। पूरी तरह नहीं पकाना है राइस को, ये 70% ही पकना चाहिए, 60 से 70%। ये मेरा राइस 60 से 70% पका है, इसको मैं प्लेट में निकाल के ठंडा होने के लिए रख दूँगा। इसको प्लेट में निकाल के मैं ठंडा होने के लिए रख दूँगा। मेरा चिकन ऑलमोस्ट पक गया है, अब मैं क्या करूँगा ये देखिए, अभी मेरा जो धनिया पुदीना था उसका मैं 50 से 60% इसमें डाल दूँगा, थोड़ा सा चावल भी डाल दूँगा, थोड़ा सा पानी भी डाल दूँगा, इसको मैं 5 मिनट और पकाऊंगा जिससे पूरी तरह से पक जाए और पुदीना भी इसमें गल के मिक्स हो जाए। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इसमें से, खुशबू तो पूरी हैदराबादी बिरयानी वाली आ रही है। खाने के बाद मैं बताऊंगा कि एक्चुअली बना कैसा। कढ़ाई मेरी थोड़ी सी छोटी पड़ गई है, मुझे जैसे मैंने बिरयानी का एक बर्तन खरीदा, मुझे एक बड़ी कढ़ाई भी लेनी पड़ेगी एक्चुअली इन सब चीज़ों के लिए। मेरा राइस भी ठंडा हो रहा है, बस इसको मैं 5 मिनट और पकने दूंगा, उसके बाद लेयरिंग करूंगा और लेयरिंग करके 10 मिनट रखूंगा और मेरी बिरयानी बनके तैयार हो जाएगी। तो टोटल 15 मिनट्स का खेल है, 2-3 मिनट इधर उधर करने में। मेरा चिकन पक गया है, अब मैं लेयर बनाऊंगा बिरयानी का। बिरयानी पॉट लिया मैंने, इसमें पहले राइस डालूंगा, आधा राइस मैं नीचे डाल दूँगा, जितना भी राइस आप लेंगे उसका आधा राइस का थले नीचे डाल देंगे। देखिए आधा राइस को मैंने फैला दिया, अब इसके ऊपर डालूँगा थोड़ा धनिया पुदीना। बिरयानी पॉट को मैंने तवे के ऊपर रखा है, तो अब इसके ऊपर सारे चिकन को मैं इसे बिछा दूंगा। ये देखिए करके इसके बाद जो भी उसका मसाला ग्रेवी बचा है सब इसके ऊपर से डाल देंगे, इसे चिकन के ऊपर इसमें। इसके बाद जो भी पुदीना बचा हुआ है और धनिया उसको भी ऊपर से ऐसे डाल देंगे। अब इसके ऊपर बचा हुआ राइस का पूरा लेयर डालेंगे। मेरा प्राइस पूरा एक अलग अलग है, प्राइस को अच्छे से फैला देंगे चारों तरफ। अभी इसके ऊपर डालेंगे फूड कलर, ऑप्शनल है, इससे अच्छा लुक आता है। आप केसर भी दूध में भिगो के रख के उसको भी डाल सकते हैं, उससे भी कलर आता है। और 2 चम्मच घी देसी,
हम इसको अब ढक देंगे और 10 मिनट तक छुएंगे नहीं, 10 मिनट तक इसको पकने देंगे और 10 मिनट के बाद अब मैं आपको मिलूंगा, आपको दिखाऊंगा कैसी बनी। तो 10 मिनट हो गया, अभी देखते हैं बिरयानी के क्या हाल हैं। वाओ स्टीम, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, यानी इसको अंदर से देखेंगे। देखिए एक एक राइस इसके अलग है, नीचे से भी पूरा पक गई है। इसको हल्का से मिक्स करेंगे, ज़्यादा नहीं, और इसको सर्व करेंगे। तो चलिए बिरयानी को सर्व करते हैं। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, एक एक राइस अलग है, ज़्यादा नहीं चलाना होता क्योंकि इससे राइस टूट जाता है, प्लेट में जाने के बाद चलाना होता है। तो चलिए बिरयानी इंजॉय करते हैं, उसके बाद बताएंगे ये मसाला जो हमने नया यूज किया है उसके साथ बिरयानी एक्चुअली कैसी बनी है। अच्छी बनी है, मसाला थोड़ा स्पाइसी है, मज़ेदार है, राइस अलग अलग है, चिकन अच्छे से पका है। तो आप भी ट्राई कर सकते हैं इस तरह से बिरयानी। और बिरयानी की और भी बहुत सारी रेसिपीज मैंने अपने चैनल राज पापड़ी ढाबा पे डाला है, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, तो वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं कई तरह की बिरयानी की रेसिपी है। स्पॉट की बिरयानी इंडियन नॉर्मल मिलती है। और तो ये इस बिरयानी को बनाइए, इंजॉय करिए। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आप चिकन को पनीर से रिप्लेस कर सकते हैं, पोटैटो से रिप्लेस कर सकते हैं और वेज बिरयानी बन जाएगी। बस चिकन हटा दो, एक खाते हैं केवल, तो एक हटा दो। तो एक बार इस बिरयानी ट्राई करना तो बनता है, जाइए ट्राई करिए और मुझे बताइए कैसा बना है। मैं अब ये कैमरा किरण को हैंड ओवर कर रहा हूँ और मैं मिलूँगा जल्दी ही फिर से इंडियन मेहमान ड्यूटी में, पर राज पापड़ी ढाबा पे मैं रखता ही हूँ, वहाँ पे आप मुझे देख सकते हैं, मेरे इंस्टाग्राम चैनल राज पापड़ी ढाबा पे भी देख सकते हैं। बाय द वे राज पापड़ी ढाबा के बहुत जल्दी 1,00,000 सब्सक्राइबर होने हैं, तो मिलते हैं तब तक के लिए। बाय बाय। मेरी हेयर स्टाइल अनिकाली की है।